नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके पॉलिटी के अंतर्गत आता है। तो देखिए, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता क्रम यानी कि प्रियोरिटी सिक्वेंस इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसमें सबसे अपर पोस्ट यानी सबसे हाई पोस्ट किसको दिया गया है और उसके बाद उससे नीचे कौन कौन आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है कि इनके बाद किसका पद बड़ा होता है या इनसे ऊपर किसका पोस्ट सबसे बड़ा होता है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैक्सिमम देखिए 4 या 5 लेवल तक ही आपको इम्पॉर्टेंट रखना है, रिमेंबर रखना है, उसके अलावा भी आपको जानना है, लेकिन 4 या 5 तो आपको बिल्कुल याद रखना है 4th 5th लेवल तक। ओके, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आए हैं पहले, तो एक बार हम रिमेंबर कराना चाहते हैं आपको। ज़्यादा इसको ध्यान में आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो एग्ज़ाम तक आपके दिमाग में टिका रहेगा। ओके, देखिए सबसे पहले, ओके, भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे पहले सबसे ऊँचा पोस्ट दिया गया किसका, सबसे पहले दिया गया देखिए प्रेसिडेंट का, सबसे फर्स्ट नंबर पर है प्रेसिडेंट यानी कि भारत के राष्ट्रपति। देखिए सेकेंड नंबर पे हैं वाइस प्रेसिडेंट, ओके, यानी भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं उनको भारतीय राजव्यवस्था क्रम में दूसरे स्थान पे रखा गया है। और देखिए फिर थर्ड आपका है प्राइम मिनिस्टर यानी कि भारत के प्रधानमंत्री। उसके बाद आपके देखिए 4th नंबर पे हैं गवर्नर यानी कि आपके राज्यपाल, और उस स्टेट के राज्यपाल ही, ऐसा नहीं कि किसी एक स्टेट के राज्यपाल का पोस्ट दूसरे स्टेट के राज्यपाल के समान, मतलब वहाँ पे भी वो चलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ही स्टेट के राष्ट्रपति का लेवल अपने ही स्टेट में उनका रहेगा सिर्फ। ओके, फिर देखिए 5वां फॉर्मर प्रेसिडेंट, ओके, यानी कि भूतपूर्व राष्ट्रपति। उसके बाद देखिए 5वें में ए है यानी कि 5वें का जो लेवल रखा गया उसमें 2 लोगों को रखा गया, एक में फॉर्मर प्रेसिडेंट और फिर उसी लेवल में डाल दिया गया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को यानी कि उप प्रधानमंत्री को, ओके, उप प्रधानमंत्री को डाल दिया गया 5A में। और देखिए 6 पे कौन है, 6 पे हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, और साथ ही साथ स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी लोकसभा के अध्यक्ष। फिर 7 नंबर पे आपके यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, ओके, यानी कि संघीय कैबिनेट मंत्री आ जाते हैं। और फिर देखिए चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यानी कि योजना आयोग के अध्यक्ष और भूतपूर्व प्रधानमंत्री ये आ जाते हैं। फिर देखिए 7th नंबर यानी कि आखिर 7 के ए भी यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि 5 का ए है वैसे ही 7 का ए है, भारत रत्न हॉनर्ड पर्सन यानी भारत रत्न से सम्मानित पर्सन व्यक्ति जो है उसको 7वें नंबर पे रखा गया है। फिर देखिए 8वें नंबर पे हाई कमिश्नर ऑफ द कंट्री ऑफ द नेशन, ओके, ये 8वें नंबर पे हैं आपके राष्ट्रसंघ के देश के उच्चायुक्त। फिर 9th नंबर पे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ओके, 9 नंबर पे हैं आपके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। फिर आपके 10th नंबर पे देखिए यहाँ पे रखे गए हैं कि डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ओके, या डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो फ्रेंड्स देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है मिसिंग हो गया हो, ये 10th वाले में थोड़ा सा इरर का चांसेस है। ओके, तो देखिए 9 तक ही आप याद रखिए, मैक्सिमम देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 तक ही पूछा जाएगा अगर एग्ज़ाम में आता है तो। ओके, यहाँ तक आप याद रखिए, उसके अलावा फ्रेंड्स ये ऑब्जर्वेशन में थोड़ा सा छोड़ दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, जब तक कि अब नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आज का दिन आपका बहुत बहुत शुभ हो। देखिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी वीडियो बनाने के चक्कर में कहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक्स होने का संभावना है, लेकिन 100% हम क्लियर करके ला रहे हैं।
मिस्टेक ये, अगर कहीं पे थोड़ा सा हमारे लिपसिंग में प्रॉब्लम आ रही हो तो फ्रेंड थोड़ा सा उस पर अंडरस्टैंडिंग करिएगा, क्योंकि देखिए ये कोई ऐसा मूवी तो है नहीं जो रिटेक रिटेक करके हम आपके लिए बना दें। ये एक सीक्वेंस में चलता है, जब एक बार हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो फिर बीच में कोई इरर आता है तो फ्रेंड बहुत दिक्कतें होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट टाइम हम सोचेंगे, इस पे ज़रूर विचार करेंगे कि बहुत कम इरर के चांसेस रहें। तो चलिए फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।